नमस्कार हमारे बागवानी के चाहने वालों, आज हम आपको फलोद्यान के बारे में बताते हैं। फलोद्यान एक तो पुरानी परंपरागत जो तकनीकी है हमारी, कि जैसे कुछ पौधों की दूरी 20x20 फीट है, कुछ पौधों की दूरी 30x30 है, कुछ की 10x15 है, इस प्रकार की। और दूसरी तकनीकी अभी हाई नई तकनीक में आता है सघन फलोद्यान, सघन पद्धति से पौधे लगाना। तो ये आप देखें सघन पद्धति के पौधे लगे, ये जो है कि 6x12 पर ये सघन पद्धति के पौधे से पौधे की दूरी देखें आप, ये 6 फीट है और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट है। तो इसमें एक सिद्धांत है जो है कि कम दूरी में अधिक पौधे लगाना, तो उससे ज़्यादा उत्पादन कम उम्र में ज़्यादा उत्पादन लेना। परंपरागत जो बगीचे लगाते थे उनमें उम्र बहुत उम्र बगीचा चलते हैं, तो उतने देर से अपन को किसान को जो है कि लाभ मिलता है। इसमें कम उम्र में अधिक पौधे लगाने से ज़्यादा उत्पादन ले लेना और कम उम्र में बगीचे को ख़त्म कर देना। बस इसकी बात यह है कि इसके रख रखाव में आपको बहुत कटिंग करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है कटिंग करके आपको पौधे उतने ही रखना पड़ते हैं, ज़्यादा ऊँचे पौधे नहीं जा पाते हैं। देखें आप ज़्यादा ऊँचे हमारे 5-6 फुट से ज़्यादा ऊँचे पौधे नहीं हैं, उसी में इस प्रकार से फिर इनकी थिनिंग करते हैं। ये इन जो पौधों में जैसे 3 फल लगे हुए हैं, इन 3 फल में से हम 2 फल तोड़ देंगे, इनको 2 फल को तोड़ के फिर 1 फल इसमें से रहने देंगे। ये तो पहले पौधे की थिनिंग हो गई, फिर फूलों की थिनिंग, फलों की थिनिंग, इस प्रकार से सारी थिनिंग करते करते फिर इस प्रकार से जो है कि जो फल का सिलेक्ट कर लिया है उस प्रकार से बैगिंग ये प्रक्रिया करते हैं। बैगिंग प्रक्रिया करने में इसमें एक तो फोम का होता है, एक प्लास्टिक होती है, और ये इस प्रकार से ये देखें ये पूरी पहले ये फोम वाली बैगिंग करेंगे इसको इस प्रकार से, जिससे सनबर्न और दूसरे कोई भी इस पर प्रभाव नहीं करते हैं। और इस प्रकार से ये बैगिंग इसमें पहले ये बैगिंग बनाएंगे, फिर इसको ये बैगिंग बना देंगे। ये देखें ये थिनिंग ये फॉर्म की है, ऊपर से प्लास्टिक, तो ये पूरा का पूरा इसका जो चमकीलापन बहुत अच्छा आएगा। और ये फिर इसमें काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट देके नीचे इसमें एक वो है कि नीचे ड्रिप आप देखें, ड्रिप 2 लाइन से 2 लेटरल डली हुई है और 2 लेटरल जो है कि डली उसमें इरीगेशन करते हैं और बेड बना के पूरा बेड बनाया हुआ है, पूरा बेड बना के इसमें पूरी जो है कि पद्धति खाद वगैरह देने की पद्धति पूरी बेड बना के करते हैं। इसके बीच में बेड बना के रहते हैं और ये जल निकास के लिए नाली भी हो जाती है, दोनों काम करती है। इसके बीच में भी खाद भर देते हैं और ऊपर भी खाद डाल देते हैं। इस प्रकार से ये सारे के सारे कटिंग, इसमें खास तौर से पूरी सावधानी है कटिंग की, कटिंग बहुत काबू में रखना पड़ती है पौधे की। अगर आपने कटिंग नहीं की तो ये बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और फिर फल नहीं देंगे। ये देखें तो इसमें आपने पूरा सावधानी ये रहती है कि देखो आप इसकी कटिंग कई प्रकार से बहुत कटिंग करके इसको कंट्रोल में पौधे को रखते, देखो यहाँ से काटा पहले यहाँ से काटा था, फिर यहाँ से काटा, ये देखो यहाँ से काटा, तो इसकी कटिंग खास तौर से बहुत ज़्यादा, फिर कटिंग के बाद में थ्रिंग, तो इस प्रकार से ये देखो आप, और काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें देते हैं। और ये फल अभी 250-300 ग्राम का अभी भी हो गया है और अभी बहुत कम और बढ़ने वाला। इन लोग ये जो इसमें हाई न्यूट्रेंट देने के बाद इसमें 1 किलो तक का फल ले सकते हैं। तो इसमें बस सावधानी ये रहेगी कि इसमें गिनती के पौधे, एक पौधे पर मुश्किल से 30-40, अगर ये 3 साल का पौधा हो गया है, 2.5 साल का पौधा हो गया है, तो इसमें 30-40 फल, केवल 25 से 30 फल इस पर रहेंगे, तो उतने ही फल ले सकते हो। इससे ज़्यादा फल लेंगे तो इसमें उस प्रकार साइज नहीं आएगी। और बैगिंग करने से इस प्रकार की अभी देखो टेम्परेचर में जून के महीने में भी, फर्स्ट वीक जून में भी देखो आप इतने सच्चे जाम इसमें निकलते हैं, क्योंकि ये बैगिंग कर दी, बैगिंग करने के बाद पूरा करके इसको कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से अधिक उत्पादन इससे ले सकते हैं, लेकिन बस इसकी सावधानियाँ ज़रूर पूरी करना पड़ेंगी। हैवी न्यूट्रेंट और हैवी तुम्हारा कटिंग रख रखाव, ये दोनों तारों का सहारा, एक तार बांधते हैं पूरे में, देखें हाँ ये तार बंधा हुआ है, ये पूरे में सहारा देके फिर एक एक शाखा को एक दूसरे पर न जाए, इस प्रकार से ये शाखाओं को देखो शाखा बंधी हुई है,
एक एक शाखा को इसको बांध बांध के इसको सहारा देना पड़ेगा। अगर ये सब कर दें तो किसान को इसमें एक अच्छा लाभ हो जाएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक जरूर करें, जिससे हम और आपको जानकारी इस प्रकार की दे सकें।